दोस्तों, हमें ऐसे प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करना चाहिए जिनकी केयरिंग बहुत ही कम होती है, और कम केयरिंग के थ्रू बहुत ही इजीली वो हमारे गार्डन में सर्वाइव भी करते हैं और इतनी आसानी से ख़राब भी नहीं होते हैं। अगर आप इनकी कटिंग्स कहीं से भी लाकर अपने गार्डन में ग्रो करते हैं तो वो परमानेंट बन के रह जाते हैं और उनसे हम काफ़ी प्लांट्स भी रेडी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ वेराइटीज़ हैं अरेलिया के जो मैंने आप लोग के सामने रखा हुआ है, और ये हमारे परमानेंट प्लांट हैं। देखिए, ये अरेलिया की जो पहली वैरायटी है, इनकी पत्तों की लीव्स देखिए थोड़ी सी चौड़ी है और इनकी साइड से जो कट मार्क है बहुत ही सुंदर लुक देता है और कितना शाइन कर रहा है ये सारे प्लांट्स। और ये वाली जो दूसरी वैरायटी है, इनकी लीव्स को देखिए, इनकी लीव्स वो वाली पहले जो मैंने दिखाई है उससे काफ़ी छोटी छोटी है और इनकी साइड से जो कट मार्क है वो भी बहुत ही अलग है। तो यहाँ की जो चौड़ी वाली लीव्स है और छोटी वाली लीव्स दोनों ही हमारे परमानेंट प्लांट है, अरेलिया की ही वैरायटी है। ये वाली जो वैरायटी देख रहे हैं ये गोल्डन अरेलिया के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही प्लांट मैच्योर हो जाता है तो ऊपर से ये बॉल शेप ले लेता है। मेरा ये प्लांट काफ़ी पुराना है और नीचे से काफ़ी ब्रांचेस डेवलप हो रखी हैं और इसलिए मैंने इसको नीचे से बांध के रखा है ताकि इसके ब्रांचेस इधर उधर ना फैले। इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही घनी होती है और जब ये बॉल शेप ले लेता है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है। और ये जो प्लांटर देख रहे हैं इसमें जो अरेलिया का प्लांट मैंने लगाया है, ये वाला प्लांट दोस्तों मेरा 3 साल से ऊपर हो चुका है और इसके धीरे धीरे इसके नीचे की रूट्स भी बाहर आने स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे ये बॉन्ज़ाई का शेप भी ले रहा है। नीचे से काफ़ी ब्रांचेस डेवलप हो रही है और सारे ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ये प्लांट घना हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही मतलब ओल्ड हो चुका है। जितना ओल्ड होगा आपका प्लांट उतना ही बुशी होते जाता है और बहुत सारे न्यू लीव्स भी डेवलप हो रही है, इसीलिए ये प्लांट बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। ये वाला प्लांट भी मैंने अरेलिया का कटिंग से ग्रो किया था, ये भी बहुत पुराना मेरा ये प्लांट है, 3 साल से ऊपर हो चुका है। इस प्लांट को मैंने प्लास्टिक प्लांटर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं नीचे इसके बहुत सारे ब्रांचेस डेवलप हो चुकी हैं और सारे ब्रांचेस बहुत ही हेल्दी दिख रहा है, और जितनी इनके ब्रांचेस होंगी उतना ही ये प्लांट घना होता चलता है और उसमें काफ़ी लीव्स भी डेवलप होती रहती है। ऊपर से जब हल्के हल्के सन रेज गिरती है इसके ऊपर तो उसकी लीव्स बहुत ही शाइन करती है, इसीलिए मुझे ये अरेलिया का प्लांट बहुत ही पसंद लगता है। तो हम काफ़ी प्लांट्स रेडी कर सकते हैं अगर हमारे घरों में एक ही प्लांट अरेलिया का आ जाए तो। इसी तरह मैंने काफ़ी प्लांट्स रेडी कर चुकी हूँ। ये वाला प्लांटर जो सीमेंट का प्लांटर है इसमें भी मैंने लास्ट ईयर कटिंग ग्रो किया था, और देखिए एक ही साल में इसका जो तना है कितना हेल्दी और कितना मोटा हो चुका है और बहुत ज़्यादा ये प्लांट बुशी हो चुका है। इसमें भी काफ़ी लीव्स आ चुके हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों, मैंने काफ़ी अरेलिया के कटिंग्स लगाई हुई है, ये सब मैंने लास्ट ईयर लगाया था, वो भी वेस्ट प्लास्टिक प्लांटर बॉटल के प्लांटर बनाकर उनमें ग्रो किया है। देखिए, इसके भी तना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो चुका है और बहुत सुंदर लुक दे रहा है। ये जो अरेलिया के प्लांट होते हैं उसकी ब्यूटी उनके ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा होती है, जितनी उसके नीचे के ब्रांचेस मोटी होंगी देखने में भी उतना ही सुंदर लगता है अगर उसमें लीव्स भी ना हो। तो काफ़ी प्लांटर्स मैंने रेडी कर लिया है, और छोटे प्लांटर्स में अगर लगाएंगे तो उनकी हाइट भी रुक जाती है और बहुत जल्दी बॉन्ज़ाई का स्ट्रक्चर ले लेती है। ये जो 3 प्लांट्स दिख रहे हैं जो वेस्ट प्लांटर में लगे हुए हैं, इनको मैं बॉन्ज़ाई का स्ट्रक्चर देने वाली हूँ और 1 साल के बाद इनको बॉन्ज़ाई ट्रे में शिफ्ट कर दूँगी। देखिए कितना सुंदर लुक दे रहा है, जब इनकी तने बहुत ही ज़्यादा मोटी होने लगती है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है। अगर उस ब्रांचेस में लीव भी ना हो तभी भी वो प्लांट बहुत ही सुंदर लुक देता है और जहाँ पर भी हम प्लेस रख करके रखेंगे उस एरिया को निखार देता है। इधर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये मेरा बॉन्ज़ाई का ट्रे है जिसको मैंने बॉन्ज़ाई ट्रे में लगा के रखा हुआ है, ये अरेलिया की कटिंग। तो ये देखिए, बस 1.5 इंच का इसका हाइट है, फिर भी ये वाला प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रो हो रहा है। इसी से पता लगता है अरेलिया के प्लांट चाहे बिग साइज़ के गमले में लगे हैं या छोटे साइज़ के, वो प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है और हम इसकी ग्रोथ को रोक नहीं सकते हैं। ये वाला प्लांट भी मैंने सारे कटिंग से ग्रो किया है और इसको भी मैंने बॉन्ज़ाई ट्रे ही दे रखा है, और ये लगभग 1.5 ईयर्स जैसा हो रहा है ये प्लांट। छोटी सी हाइट में भी बहुत ही अच्छी ग्रो हो रही है।
तो फिर मैंने बहुत सारे अरेलिया के प्लांट्स रेडी कर लिए हैं। तो यही हमारा फ़ायदा है परमानेंट प्लांट का, अगर हम अपने गार्डन में उनको ला के रखते हैं तो काफ़ी हम प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से उनको ग्रो कर सकते हैं। या तो हम किसी प्लांट की हाइट को ऊँचा रखें या तो उनको थोड़ा शॉर्ट करके रखें, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें किस टाइप की उनकी ग्रोथ चाहिए। जैसे कि मेरे कुछ प्लांट्स 3 साल से ऊपर हो चुके हैं मगर आज तक मैंने कभी भी इनकी रूट प्रूनिंग नहीं की है। इसी से पता लगता है कि अरेलिया के प्लांट काफ़ी लंबे समय तक भी अगर हम उनकी रूट की प्रूनिंग ना भी करें तभी भी बहुत ही हेल्दी ग्रो होता है। और वैसे भी अरेलिया का प्लांट को रूट बॉन्ड होना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ करके कि हम अपने अरेलिया के प्लांट्स को किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं ताकि आपके प्लांट्स भी मेरे प्लांट की तरह बहुत ही अच्छे से हेल्दी ग्रो हो और काफ़ी लंबे समय तक आपके गार्डन में परमानेंट बन के रह जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ये गोल्डन अरेलिया का प्लांट जो बॉल शेप ले चुका है, बहुत ही घना हो चुका है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो केयरिंग टिप्स की चाहते हैं तो आप लोग मेरे पहले की वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक को ज़रूर डाल दूँगी। अरेलिया के प्लांट इंडोर होने के कारण कभी भी इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाता। मेरे ये सारे प्लांट बरांडे में पड़े रहते हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छी ब्राइट लाइट आती है। आप अपने प्लांट्स को ऐसी लोकेशन प्रोवाइड करें जहाँ पर छन कर धूप आती हो या तो इनडायरेक्ट वे में इनके ऊपर सनरेज गिरती हो। मॉर्निंग की 1-2 घंटे की सनलाइट जो कि सॉफ्ट सनलाइट होती है इनको बहुत ही नेसेसरी है, तभी आपके प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रो करेंगे। जब भी आप अरेलिया के प्लांट को ग्रो करते हैं तो इनकी सॉइल मिक्सिंग को बहुत ही सॉफ्ट बनाए मेरी तरह। देखिए मेरी सॉइल मिक्सिंग कितनी हल्की है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकता। जब भी आप इनकी सॉइल मिक्सिंग रेडी करें 1 पार्ट गार्डन सॉइल के साथ 1 पार्ट ये सैंड को यूज़ करना ना भूलें। और जब भी आप सॉइल मिक्सिंग रेडी करें स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से इनको खाद दे दिया जाता है, इनमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। मैं इनमें हर समय ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ। सॉइल मिक्सचर बनाते समय ही स्टार्टिंग में ही अच्छे से इनमें गोबर की खाद या तो वर्मी कंपोस्ट या तो आपके किचन वेस्ट के जो रेडी होते हैं उन कंपोस्ट को आप डाल सकते हैं। बार बार इनमें फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, साल में 2 बार आप इनमें ड्राई फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। फरवरी या मार्च के मंथ में या तो और उसके बाद अक्टूबर या नवम्बर के मंथ में इनको फर्टिलाइज़ कर दिया जाता है और बार बार इनको फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो मंथ में एक बार आप लोग इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। मैं इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर राइस वाटर या तो वेजिटेबल जब हम धोते हैं उनकी वाटर या तो दाल जब हम धोते हैं उनकी वाटर को इनमें प्रोवाइड करती हूँ। या तो आप चाहे तो टी कंपोस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं जो हमारे गोबर की खाद या तो वर्मी कंपोस्ट को भिगाकर हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी करते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र की भी काफ़ी वीडियोस मैंने बना के रखी हुई है, उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक को डाल दूँगी। अरेलिया के ग्रोइंग पीरियड समर्स में बहुत ही अच्छी होती है, खासकर ये मॉनसून डेज़ में बहुत ही अच्छा लुक देता है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हमारे गार्डन को बहुत ही सुंदर भी लुक देता है। दोस्तों, ये विंटर सीजन में ज़्यादा डॉर्मेंसी के पीरियड में भी नहीं जाता दूसरे प्लांट की तरह, और बस थोड़े से लीव्स झड़ाएगा येल्लो होकर मगर बहुत ही ग्रीनरी बना के रखता है अपने हर प्लांट पर। कटिंग के थ्रू बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। रेनी डेज़ में अगर आप इनकी कैसे भी कटिंग को ग्रो कर देंगे तो बहुत ही इजीली इनकी रूट डेवलप हो जाती है और एक ही साल में आपका प्लांट बहुत ही अच्छा और मैच्योर बन के रेडी हो जाता है। अलग अलग प्लांटर्स में आप लोग ग्रो कर सकते हैं, छोटे साइज़ के या तो शैलो ट्रे में, जैसे भी आप पसंद करते हैं इनको इस टाइप के प्लांटर प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप लोगों ने इनकी प्रूनिंग ज़रूर करनी है। मैंने इनको प्रूनिंग कर करके ही इतना घना बना के रखा हुआ है। मॉनसून डेज़ में आप इनके स्टेम की प्रूनिंग कर दे तो बहुत ही जल्दी इनकी ब्रांचेस डेवलप होगी और बहुत जल्दी आपका प्लांट बुशी भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और कटिंग किए हुए ब्रांचेस को फिर से आप मिट्टी में लगा दें तो इस तरह से आपके और भी नए नए प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग रेडी कर सकेंगे।
अरेलिया के प्लांट्स को अपने चारों तरफ ये मॉइस्चर बहुत पसंद होती है। मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए इनको ग्रुप में रखा जाता है ताकि एक दूसरे से इनको काफ़ी हद तक मॉइस्चर मिल सके। समर डेज में मॉर्निंग में इनको मिस्टिंग बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। मिस्टिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपके प्लांट्स को पूरे दिन के लिए मॉइस्चर भी मिलता रहेगा और उनके प्लांट लीव्स पर जो धूल मिट्टी चिपकी रहती है टाइम टू टाइम वो वॉश भी होते जाएंगे। वैसे मैंने देखा है करके कि इन प्लांट्स पर पेस्ट का अटैक भी बहुत ही कम होता है। बस ये गोल्डन अरेलिया जो बॉल शेप का है इसमें मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप लोग इनमें वीकली एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिए। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।